देश के कई राज्यों में अप्रैल आने से पहले भीषण गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई जिलों में पारा लगातार ऊपर जा रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में मार्च महीने में ही अधिकतम तापमान 38 डिग्री को पार कर चुका है। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तापमान बढ़ने के साथ ही गर्मी ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। गर्मी इतनी है कि दिल्ली वालों को मार्च के महीने में ही जून वाली गर्मी का एहसास हो रहा है और अभी आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली के लोगों को गर्मी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में गर्मी से राहत के आसार नहीं है। मौसम गर्म होने के बीच दिन के समय सूरज की तपिश से तापमान में इजाफा देखने को मिलेगा, जिसको लेकर मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में लू चलने की भी चेतावनी जारी की है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं शहर की वायु गुणवत्ता सुबह खराब कैटेगरी में दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में दिन के समय तेज हवाएं चलने की संभावना है, साथ ही अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। INS रिपोर्ट।